नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ प्रमुख शहर और उनके उपनाम। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पे चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी आरपीएफ का होने वाला है या फिर जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस आरआरबी की, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैंने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। दोस्तों उससे पहले अगर किसी कैंडिडेट ने या अपने मेरे मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं, आपको लिए चलते हैं उन सभी टॉपिक्स पे जो कि आज के क्यूज का हिस्सा है और आप भी इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। दोस्तों आपके लिए ही सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आते हैं हम, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक दूसरे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप से ही चाहे कहीं से भी। चलिए तो ये रहे क्यूज का पहला सवाल, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर का उपनाम है? फटाफट आंसर कीजिएगा, जितनी जल्दी आंसर कीजिएगा, आपको 3 सेकंड का वो देते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है। तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है दोस्तों प्रयाग को। देखो प्रयाग जो है इलाहाबाद का नाम है, प्रयागराज जिसे हम जानते हैं, तो ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं इसको, प्रयागराज को, ठीक है। तो इसका नाम भी बदल दिया गया है, इलाहाबाद का प्रयाग रख दिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा आंसर है ए प्रयाग। अगला प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किस शहर का उपनाम है? तो दोस्तों ये शहर जो है अपने आप में एक स्टेट भी है, तो आंसर है यहाँ पर पंजाब। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 नदियों की भूमि है, इसके चलते यहाँ पे खेती का भी जो यहाँ का व्यापार है, खेती मुख्यतः व्यापार खेती है और सबसे ज़्यादा उपज देने वाला ये देश ये राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न है 7 टापुओं का नगर। अब बताइए 7 टापुओं का नगर कौन सा हो सकता है? पानीपत, बनारस, दिल्ली या मुंबई। अब पानीपत में तो कहीं से भी कोई टापू है नहीं, बीच है नहीं कहीं पे, आप भी देखे होंगे। बनारस में गंगा है तो उनके चलते एक ही टापू माना जाता है जो कि एक पट पे है। दिल्ली में यमुना है तो वहाँ पर भी वो कोई टापू नहीं है, पर मुंबई जो ऐसा शहर है, जी हाँ दोस्तों आंसर मुंबई है। तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे समुद्र के चलते इन 7 जगहों से एक टापुओं का, 7 टापुओं का ये एक शहर बसा हुआ है, 7 टापुओं पे कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा, आप सभी के पास है 3 सेकेंड। कोलकाता, पंजाब, जमशेदपुर या पानीपत। तो आंसर है दोस्तों पानीपत को कहते हैं हम बुनकरों का शहर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कह सकते हैं वहाँ पर कपड़ों की बुनाई जो होती है ना, धागों की बुनाई, तो वो सबसे ज़्यादा होती है पानीपत में। अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी कार्य संभव होते हैं भारत के वो होते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु या प्रयाग, तो आंसर यहाँ पर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि डायमंड हार्बर एक्चुअली एक जहाज का नाम है जो कि पानी का जहाज है, डायमंड हार्बर, ठीक है, ये किस शहर को कहा जाता है भारत में? तो भारत के प्रमुख शहर हैं और उसके उपनाम है ये, तो उनमें से कहा जाता है दोस्तों कोलकाता को। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता को अंग्रेजों ने डायमंड हार्बर कहा था, ओके। इलेक्ट्रॉनिक नगर किस नाम से जाना जाता है? देखिए फटाफट करेंगे, बहुत कम समय में आपको टॉप 30 जो नेम है वो आपको देकर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है मित्रों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु को ही। चलिए भारत के प्रवेश द्वार किस शहर का नाम है? भारत का प्रवेश द्वार है ये, एक्चुअली इसको थोड़ा सा उच्चारण यहाँ पे गलत है, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है ये कहते हैं हम मुंबई को, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया गेट मत समझ लीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नवा प्रश्न है पूर्व का वेनिस किस शहर को
उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों कोचिन। जी हाँ, कोचिन को पूरब का वेनिस माना जाता है। ठीक है, चलिए, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर का उपनाम से जाना जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग दोस्तों ये जो है पूर्व का वेनिस है ना, पूर्व यानी कि पहले, पूरब नहीं है, ईस्ट मत समझ लीजिएगा इसे, पूर्व है ये, पूर्व का वेनिस कहते हैं हम लोग कोची को। ठीक है, चलिए, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर के उपनाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकीकरण जो है टाटा जमशेदपुर ने अपने नाम से किया था, तो पीटर्सबर्ग भी एक अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। किसको? तो जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? देखो, मैनचेस्टर भी एक शहर है जो कि विदेश में है, ठीक है, भारत में नहीं है। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, मैनचेस्टर, जो कि किस शहर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करते रहिएगा फटाफट। ठीक है, आंसर है यहाँ पर ए, अहमदाबाद को। जी हाँ दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इस शहर को। मसालों का बागीचा किस शहर के उपनाम से जाना जाता है? मसालों यानी कि आप लोग खाने में जो मसाला यूज करते हैं उसका बागीचा किस शहर के कहा जाता है या उसका उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर केरला। बहुत ही मात्रा में मसालों की खेती होती है यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर है ना, गुलाबी नगर किस शहर को? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे आई थिंक, मुझे लगता है, तो फटाफट आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहते हैं हम लोग जयपुर को, सभी को नोन होना चाहिए। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को या किस शहर का उपनाम है ये बताना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आंसर दोस्तों पुणे। जी हाँ, महाराष्ट्र का एक शहर है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है मुंबई है ना, भारत का हॉलीवुड या बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है ये। अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किस शहर को कहा जाता है या उसके उपनाम से जाना जाता है? तो झीलों का नगर दोस्तों कहते हैं हम श्रीनगर को। जी हाँ, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ झील है यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न है, फलों धानों का स्वर्ग, फलों और धानों का स्वर्ग किस शहर को कहते हैं? तो आंसर है दोस्तों सिक्किम को। जी हाँ, किसे कहते हैं? तो सिक्किम को। चलो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है आपके एसएससी जीडी में, पहाड़ी का मल्लिका किस शहर को कहा जाता है? 2016 के पेपर में एसएससी जीडी के पूछा गया है कि पहाड़ी की मल्लिका किस शहर को कहा जाता है। आंसर है दोस्तों नेतरहाट। जी हाँ दोस्तों, नेतरहाट जो है अपने आप में एक बहुत ही विशाल नाम कह सकते हैं, क्योंकि नेतरहाट की स्कूलिंग भी बहुत अच्छी होती है, बोर्डिंग अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है? तो नेतरहाट शहर को कहा जाता है। चलिए, पूर्व है ना, पूर्व का पेरिस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, किसे कहते हैं? तो इस पूर्व का पेरिस, ठीक है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में, इसको आप लोग रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में जो आएगा, हम उसमें आंसर बताएंगे इसका। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व का पेरिस हम लोगों ने, ठीक है, एक पूछा था प्रश्न। ठीक है, सॉल्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो सॉल्ट सिटी कहते हैं हम लोग ए, गुजरात को। जी हाँ दोस्तों, गुजरात स्टेट को जानते हैं हम लोग सॉल्ट सिटी, क्योंकि वहाँ का जो समुद्र है, वहाँ पर नमक की सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है समुद्र से ही। ठीक है, समुद्र के पानी से ही, जो कच्छ का एरिया है उसे सूखता देखकर वहाँ पर नमक जो होता है, सॉल्ट होता है, जो उसकी उपज की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की अंडे है ना, एशिया के अंडों की टोकरी किस शहर को कहते हैं? तो कहते हैं ये आंध्र प्रदेश को। सबसे ज़्यादा अंडे वहीं पर निर्मित होते हैं या फिर बनते हैं। ओके,
राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों अजमेर को। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में गरीब ख्वाजा नवाज जो है वहाँ पर स्थित भी हैं और उनको हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय। सूरमा नगरी, सूरमा नगरी के किस शहर को कहा जाता है? तो आप सभी को बता दें कि सूरमा जो नगरी है ये कहा जाता है बरेली को। नाम सुना ही होगा बरेली, जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वो अपनी गाने में भी एक सुना होगा, बॉलीवुड का एक गाना है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली जो है एक शहर का नाम है, वहाँ पर सूरमा जो आँखों में सूरमा लगाते हैं हम लोग, उसके लिए वो फेमस है। अगला प्रश्न है खुशबू का शहर यानी कि किसे कह किसके नाम से किसके नाम उपनाम से जाना जाता है, किस शहर के उपनाम को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कन्नौज को। जी हाँ, कन्नौज को कहा जाता है खुशबुओं का शहर, वहाँ पे फूल बहुत ही मात्रा में पैदा होते हैं। काशी की बहन, काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? काशी, काशी है ना, काशी लिख दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो आंसर है दोस्तों ये है गाजीपुर। जी हाँ, काशी जो है एक बनारस में भी जिला है, काशी जिला, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, और काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर, जो कि गाजीपुर है वो भी एक उत्तर प्रदेश बनारस का ही एक ज़िला है। ठीक है, बनारस के आसपास का ज़िला है ये गाजीपुर। अगला प्रश्न है लीची नगर किसे कहा जाता है? लीची नगर किस शहर को कहा जाता है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरेली, श्रीनगर, देहरादून या चेन्नई। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो इस सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा एक बार अपने नोटबुक में और याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लीची नगर कहते हैं हम लोग दोस्तों देहरादून को। अगर यही क्वेश्चन बिहार के रिलेटेड पूछा जाए तो लीची का शहर किसको कहते हैं? तो मुजफ्फरपुर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का शिमला, राजस्थान देखो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ठीक है, और वहाँ पे ठंड बहुत कम पड़ती है, रेगिस्तान वाला एरिया है, थार है वहाँ पे, सबसे बड़ा मरुस्थल भी राजस्थान में ही है। तो राजस्थान का शिमला यानी कि जो राजस्थान में सबसे ठंडी जगह है उसको किस शहर के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों माउंट आबू को। जी हाँ, माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला। चलिए सुपर प्रसारित नगर, सुपर प्रसारित नगर किस शहर को कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहते हैं हम चेन्नई को। ओके, ये सुपर नहीं, एक्चुअली सुप्रभात होना चाहिए, प्रसारित नगर। चलिए इसको देखेंगे, ठीक है, सुपर प्रसारित नगर कहते हैं दोस्तों चेन्नई को। ठीक है, चलिए आपने कभी सुना ही होगा ना सुपर बोलता है लोग, सुपर है ना, तो सुपर जो वर्ड है ना सुपर, ये चेन्नई में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नगर है, तो सुपर प्रसारित नगर कहा गया है चेन्नई को। ओके, चलिए क्लियर है ये। अगला प्रश्न है कर्नाटक का रत्न, कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है एक्चुअली? तो ये कहा जाता है दोस्तों मैसूर। जी हाँ, मैसूर जो है वो कर्नाटका में ही एक शहर है, जो जिसको कहा जाता है उसका रत्न, कर्नाटक का रत्न मैसूर का उपनाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोयला नगरी से कौन सा शहर जाना जाता है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, टाटा। अब देखो ये चारों जो नाम है ये आपके झारखंड के ही नाम है चारों शहर, ठीक है, तो इसको किसे कहते हैं कोयला नगरी? तो ये है आंसर यहाँ पर दोस्तों धनबाद। जी हाँ दोस्तों, धन से आबाद है ये, कोयले की नगरी कहते हैं यहाँ पे। यहाँ बताया जाता है कि बरसों से इसकी धरती के नीचे यहाँ पे कोयले में आग लगी हुई है, पर इसको बुझाने का कार्य अभी भी चलता रहता है, पर कहीं कहीं बहुत सारे इंसिडेंट्स, ये दुर्घटनाएं ना हो जाए इसके चलते सरकार वहाँ बहुत ही मिन्नत से काम कर रही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कोयला नगरी कहते हैं हम लोग धनबाद को। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप सभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे वो सभी आप तक शेयर कर दिया है हम लोगों ने। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर वीडियो को, और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारे प्रश्न मिल सके और एग्ज़ाम में उनका कोई भी प्रश्न छूट ना सके। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एसएससी, जीडी और आरपीएफ के और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।